नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। रुख करेंगे राजस्थान की खबरों का। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर के बिरला सभागार पहुंचे, जहां नड्डा का अभिनंदन महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने तिलक लगाकर किया। तो वहीं प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने राजस्थान की धरती को प्रणाम किया और कहा ये वीरों और तपोवन की भूमि है। नड्डा ने पुराने समय को याद किया तो वहीं नड्डा ने कहा कि उजाले का महत्व तब पता चलता है जब हम अंधकार की त्रासदी जानते हैं। राजस्थान में पहले भी कमल खिला है और आगे भी खिलेगा। राजस्थान में पहले भी ये कमल बीजेपी की सरकार बनी है और आगे भी कमल जीतेगा। हासिल हो जाता है तो हमें उसका महत्व समझ में नहीं आता। और मैं हमेशा कहता हूं कि उजाले का महत्व तब होता है जब अंधकार के कहर को जानना हम सीख लें। जब अंधकार हमको पता होता है कि उसकी उसकी त्रासदी क्या है तो फिर उजाले का महत्व और बढ़ जाता है। आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि कमल खिल रहा है, हर जगह पर खिल रहा है और इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यहां भी कमल खिला है, आगे भी खिलेगा। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है, न्यू इनिशिएटिव्स भी लिए हैं। उन न्यू इनिशिएटिव्स के माध्यम से पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम चल रहा है। कोटा जिले के मंडाना क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कसार में नवनिर्मित 4 भवनों का लोकार्पण किया गया। गोयल प्रोटीन्स लिमिटेड की ओर से 45 लाख रुपए की लागत से भवन बने हैं, जिनका लोकार्पण मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गोयल समूह के प्रबंधक ताराचंद गोयल ने किया। तो वहीं ताराचंद गोयल ने कहा कि खेल खेलने से प्रतिभाएं उज्ज्वल होती हैं, विद्यालय में ग्रामीण भी योगदान करें और स्कूल के स्वरूप को बदलें और सुंदर बनाएं। तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हर जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र के शिक्षा के मंदिर को गाँव के लोगों के साथ मिलकर सफल बनाया जा सकता है। इस देश को शिक्षित समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो मैं जो पीढ़ी है हमारी, उस पीढ़ी को अच्छी शिक्षा देनी होगी, संस्कार देने होंगे, तकनीकी ज्ञान की शिक्षा देनी होगी और हमारे गांव के अंदर शिक्षा के साथ साथ उनको स्किल्ड करने का काम भी इसके साथ चलने की आवश्यकता है। राजस्थान में 2.0 कोविड वैक्सीन प्रोग्राम जारी है। वैक्सीनेशन के थर्ड फेज में सरकारी अस्पतालों के साथ निजी अस्पतालों में भी कोविड वैक्सीनेशन किया जा रहा है। सभी जिलों की करीब 1000 संस्थाओं और 88 निजी अस्पतालों में टीकाकरण किया जा रहा है। 45 से 59 वर्ष की उम्र के जटिल बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों के टीके लगाए जा रहे हैं, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सूचीबद्ध 20 बीमारियों में से ग्रस्त हैं या ऐसे लोग जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। इसी कड़ी में इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल में स्थापित वैक्सीनेशन सेंटर में पूर्व सीएम राजे के ओएसडी रहे सेवानिवृत्त आरएएस अफसर ओपी सहारण के भी टीकाकरण किया गया। जैसे मेरी 68 एज हो गई है और जो इसलिए सीनियर सिटीजन्स के शुरू हो गए तो मैंने आज लगवाया। मेरा तो ये सबको ये कहना है कि सबको वैक्सीनेशन कराना चाहिए ताकि कोविड का मुकाबला कर सकें और साथ ही साथ अभी कोविड गाइडलाइंस का पालन भी करते रहें, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लेकिन हर व्यक्ति को सीनियर सिटीजन को वैक्सीनेशन कराना चाहिए। वैक्सीन लगवाने के बाद कैसा महसूस हो रहा? नहीं, वैक्सीन लगाने के बाद बिल्कुल ठीक है, मुझे एकदम कंफर्टेबल हूँ जैसा मैं एज नॉर्मल। कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण के तहत टीकाकरण जारी है। जयपुर में वैक्सीनेशन साइट्स की संख्या बढ़कर अब 120 से अधिक कर दी गई है। खुद सीएमएचओ अलग अलग अस्पतालों में स्थिति वैक्सीनेशन सेंटर्स का दौरा कर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के पास इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल में सीएमएचओ प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने दौरा किया। इस दौरान सीएमएचओ प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा से खास बातचीत की न्यूज इंडिया संवाददाता नीरज शर्मा ने।
प्रदेश में कोविड को लेकर के वैक्सीनेशन का दौर लगातार जारी है। सीएमएचओ फर्स्ट डॉक्टर नरोत्तम शर्मा खुद दौरे कर रहे हैं अलग अलग अस्पतालों का। आज आईडीएच यानी इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल के अंदर मौजूद सर, कितने सेंटर अभी जयपुर के अंदर क्रिएट कर दिए गए? पहले 84 इनकी संख्या थी, कल से हमने 60 साल से ऊपर और 45 से 59 जो कोमोरबिड के लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन काम शुरू किया है। तो उसके तहत उसके लिए कल हमने 84 सेंटर बनाए थे, उनकी संख्या बढ़ा के लगभग आज 130 कर दी है और ये प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। आगामी 7 दिनों के अंदर लगभग हम 300 सेंटर शुरू कर देंगे और हमारा उद्देश्य है कि पिछले इस महीने के अंदर अंदर 9 लाख लोग जो 60 साल से ऊपर के जो हमारा टारगेट है उसको अचीव कर पाए। एक लोग सर कोरोना को लेकर के एक लापरवाही फिर से बरतने लग गए हैं, कहीं ना कहीं एक ढिलाई जो है वो लोगों के अंदर देखने को मिल रही है क्योंकि एक लंबा अनलॉक का काल भी रहा। स्कूल भी खुल चुके हैं, पेरेंट्स को और बच्चों को, स्कूल के जो शिक्षक हैं उनको क्या संदेश है? मेरा सभी संदेश है कि पिछले कुछ दिनों से लोगों में अवेयरनेस में कमी आई है, लोग बिना मास्क के और भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं, सैनिटाइजर उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि अभी कोरोना गया नहीं है, सभी लोग भीड़ में जाएं जब मास्क का उपयोग करें, घर पर बार बार सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ करें, विशेष ध्यान रखने पर ही हम कोविड को हरा पाएंगे। हमारा वैक्सीनेशन का दौर जारी है, जब वैक्सीन सबके हम लगा देंगे उसके बाद हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने के बाद ये इन्फेक्शन अब सतह समाप्त हो जाएगा। अतः आप सब लोग निवेदन है कि आप सब लोग कोरोना गाइडलाइन का पूर्ण पालन करें जिससे हम कोरोना को हरा सकें। ये जो नया चरण है वैक्सीनेशन का, 1 से 1.5 लाख लोगों का वैक्सीनेशन करने का इसके अंदर लक्ष्य रखा गया है, इसमें कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि बढ़कर के सामने आ रहे हैं, खुद आ रहे हैं आपके पास में कि साहब हमको वैक्सीनेशन कराना है, और कौन से लोग हैं जो अभी कतरा रहे हैं या फिर उनको अभी भी डर है? लगभग 9 लाख लोगों का हमें टारगेट दिया गया है, 60 साल से ऊपर जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन करने का, और इसी महीने हम चाहते हैं कि इसी महीने में हम 9 लाख लोगों के प्रथम डोज लगा दें। लोगों में कल थोड़ी इच्छक थी, कल थोड़ी संख्या कम थी हमारे यहाँ पर, किंतु आज देख रहा हूँ कि हर सेंटर पर लोग काफ़ी आगे से खुद ही आगे बढ़कर आ रहे हैं, प्राइवेट सेंटर पर भी लोगों की लाइन लगी हुई है। मुझे उम्मीद है कि हम इस महीने के अंदर पूरा अचीवमेंट जो हमारा है वो पूरा कर लेंगे। राज्यपाल ने और प्रधानमंत्री ने भी खुद कोविड का वैक्सीनेशन करा लिया है, आप खुद वैक्सीनेशन करा चुके हैं, लोगों को निकल करके सामने आना चाहिए जो लोग लाभार्थी हैं, क्योंकि अगर 100% ये वैक्सीनेशन हो जाएगा जो लाभार्थी हैं तो कहीं ना कहीं ये महामारी जो है उसका भव्य जो एक भयानक रूप हो सकता है वो नहीं होगा, क्योंकि ओल्ड एज पर्सन के अंदर ज़्यादा होता है। बिल्कुल, मेरा यही उद्देश्य है कि जब तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री लगवा चुके हैं, जयपुर में राज्यपाल महोदय ने लगवा लिया है, कल हमारे यहाँ पर काफ़ी सीनियर्स जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो लोग आए हैं, बड़े सीनियर्स डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी लगवाया है। तो सभी निवेदन करूँगा कि आगे बढ़ के आगे से अपने वैक्सीन के लिए आएँ, ये सुविधा मिली है देश को तो हम कोरोना हराने के लिए, तो स्वागत करें इसका, बाहर निकल के आएँ, वैक्सीन सेंटर पहुँचें। गवर्नमेंट सेंटर पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लगा रहे हैं, जो प्राइवेट सेंटर हैं वहाँ यदि आप जाते हैं तो 250 रुपये के प्रति डोज के हिसाब से हम वैक्सीन कर रहे हैं। तो लोगों से निवेदन है कि बाहर निकल कर आएँ और अपना वैक्सीनेशन कराएं। तो सीएमएचओ फर्स्ट डॉक्टर नरोत्तम शर्मा का साफ तौर पर आम लोगों से ये अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो निकल करके सामने आए, वैक्सीनेशन कराएं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था है वो भी रखी गई है, उस रजिस्ट्रेशन व्यवस्था के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया जाए, कोविन ऐप भी है, इसके अलावा सरकारी सॉफ्टवेयर के जरिए और निजी सेंटरों पर आकर के भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। इस वक्त हम देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग जो हैं वो कतार के अंदर यहाँ पर है, बाकायदा इनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, पूरा प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जा रहा है। सीएमएचओ खुद जो है वो निगरानी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अलग अलग अस्पतालों का जाकर के जायजा ले रहे हैं ताकि व्यवस्थाएं जो हैं वो व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन समयबद्ध रूप से किया जाए और लोगों को परेशानी नहीं उठानी पड़े। कैमरामैन सुरेश गोयल के साथ नीरज शर्मा, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। कोटा के नयापुरा स्थित जेके पवेलियन में चल रहे धारीवाल स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हो गया। ऐसे में आज खेले गए फाइनल मैच का आनंद लेने के लिए खेल मंत्री अशोक चांदना और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत भी कोटा पहुंचे। इस दौरान दोनों के कोटा पहुंचने पर कांग्रेस के नेताओं ने उनका स्वागत किया, तो वहीं इस दौरान खेल मंत्री और आरसी अध्यक्ष ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया, साथ ही विजेताओं को ट्रॉफी और अन्य पुरस्कार भी दिए गए। मीडिया से बातचीत में खेल मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि इस तरह के खेलों का आयोजन राजस्थान में होते रहना चाहिए ताकि शहरों सहित ग्रामीणों में रहने वाले युवाओं को इसका लाभ मिल सके। धारीवाल स्पोर्ट्स क्लब का आज समापन हो गया है। मुझे आने का मौका मिला और धारीवाल स्पोर्ट्स क्लब के जो लीड कर्मी हैं आदरणीय एकता जी, उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और एक खेल मंत्री होने के नाते ऐसा आयोजन जिसमें छोटी छोटी गलियों से छोटी बड़ी प्रतिभाएं, मैंने देखा छोटे बच्चे थे, बुजुर्ग भी खेल रहे थे, उसमें महिलाएं भी थी, उसमें बच्चियां भी थी, तो एक शानदार आयोजन। और ये आयोजन ही आने वाले समय में राजस्थान में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और खेल विभाग का एक सपना है कि आने वाले समय में राजस्थान में खेलों का वातावरण मिले,
इसी वातावरण को इस प्रकार का आयोजन ही साकार करेंगे। मेरे आंकने से अपना घर सबको अच्छा लगता है। ये तो जो स्टेट रैंकिंग है हमारी, खेलो इंडिया के अंदर 12वीं रैंकिंग आई थी, तो मैं उस रैंकिंग को ही अपना मानूंगा। लेकिन मैं ये दावा कर सकता हूँ कि इन 2-4 सालों में जो नवाचार हमारी सरकार करेगी, आने वाले 4-5 सालों में प्रथम 2 से 3 के अंदर राजस्थान खड़ा होगा, ये मैं दावे के साथ। आप आर्मी की एआरओ की भर्ती को निरस्त करने के विरोध में भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने रक्षा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने भर्ती को पुनः चालू करने या अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क वापस करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने मांगे नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। जो छात्रों की भर्ती निकली थी आर्मी की कोटारू से, उसको अचानक कैंसिल कर दिया गया। जिन छात्रों ने अपनी समय निकाल कर, अपनी पैसे निकाल कर जो उन्होंने तैयारी की थी, उसको अचानक राजस्थान सरकार या किसी भी सरकार द्वारा बंद किया गया, जिससे इसमें छात्रों को नुकसान है। छात्र गाँवों से जहाँ जहाँ पहुँच कर उन्होंने फार्म भरे, ना तो फीस वापस रिटर्न हुई, ना उन्होंने जो मेहनत की उसका कोई फल मिला। सरकार ने ये सबसे पहले कोटारू की भर्ती निकली थी, इसके बाद में अचानक सब जगह भर्ती हो गई, यहाँ जोधपुर में यहाँ भर्ती हो गई, लेकिन कोटारू में 8 जिला थे, जैसे भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़, राजमंड, कोटा, बारा, झालावाड़, उन्होंने 17 तारीख को भर्ती निकली थी। तो कोरोना महामारी के चलते भर्ती को कैंसिल कर दिया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा। देश भर में बढ़ती महंगाई की मार और रोजाना बढ़ रहे रसोई गैस के दामों के कारण अब घर का बजट बिगड़ने लगा है। तो वहीं इस बढ़ती महंगाई की वजह से बड़ी संख्या में महिलाओं ने बीकानेर कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और चूल्हा जलाकर चाय बनाई और गैस की बढ़ती कीमतों का विरोध किया। महिलाओं का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के राज में रसोई का बजट गड़बड़ा गया है, अब ये सहन नहीं हो रहा। कोरोना काल के कारण लोगों के काम धंधे बंद हो चुके हैं, लोग आज सड़क पर आ गए हैं। ऊपर से हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो दिनों दिन महंगाई को बढ़ाते जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल का दाम उन्होंने पेट्रोल को आज 100 रुपए से ऊपर, लीटर को 100 रुपए से ऊपर कर दिया है, और जो गैस के दाम है वो 825 रुपए उन्होंने कर दिए हैं, और जो सब्सिडी है वो भी उन्होंने बंद कर दी है। तो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी से यह कहना है कि हमें उनके अच्छे दिन नहीं चाहिए, जो हमारे पुराने दिन थे वो हमें वापस। जोधपुर में एक परिवार की ओर से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने आत्मदाह करने की कोशिश करने का मामला सामने आया, जिसके बाद इसकी भनक लगने पर पुलिसकर्मियों ने पेट्रोल से भरा जरकन उसके हाथ से छीनकर उसके परिवार को उदय मंदिर थाने लाया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि वो सारण नगर में रहता है, उसके पड़ोस में सूखे चारे की एक ताल है, जहां प्रतिदिन सूखे चारे के 4 ट्रक खाली होते हैं। जब ट्रक खाली होते हैं तो चारों तरफ उसका कचरा फैल जाता है, हवा में सांस लेना दूभर हो जाता है। मैं और मेरा परिवार सांस के रोग से पीड़ित हो रहे हैं, लेकिन शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। रोज की 3-4 गाड़ी खाली होती है, ठीक है, सांस लेने में तकलीफ होती है, और इस चीज़ की कार्रवाई मैंने JDO में कर दी, निगम में कर दी, 2 ओवर में कलेक्टर ऑफिस पेस हो गया, कोई कार्रवाई होती नहीं है। JDO वाले आते हैं, फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं, ठीक है, मैं भी देखता हूँ, गाड़ी आती है 5 मिनट रुकी, चले जाते हैं। ये मेरे पास रसीद पड़ी है, ठीक है, इससे परेशान हो गए मैं 3-4 महीने हो गए सर, पहले मौखिक रूप से की, ठीक है, बाद में आज ये लिखित की पर्ची मेरे पास पड़ी, परेशान होकर बच्चों को लेकर मैं पेट्रोल लेकर आज यहाँ आया हूँ। मेरी जगह आप होते या अफसर होते तो उनका क्या होता, वो कार्रवाई नहीं करवाते क्या? मेरी जगह एक बात बताऊँ, मेरी जगह कलेक्टर साहब खुद का घर होता तो क्या होता, वो 1 सेकंड नहीं रख पाते, ठीक है, हाँ कार्रवाई कर देंगे। बाना के मांगरोल में बाढ़ गंगा नदी में नहाने गए 4 से 5 मजदूरों में से एक 18 वर्षीय धौलपुर निवासी बंटी नाम का मजदूर नदी में डूब गया। युवक के नदी में डूबने की खबर के बाद आसपास काम कर रहे लोगों ने दौड़कर नदी में युवक को तलाश किया, सफलता हाथ नहीं लगने पर प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने अपने स्तर पर युवक को तलाश किया, लेकिन 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भी पुलिस को मिल पाई। युवक को मांगरोल अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। बांसवाड़ा जिला अस्पताल में एक नवजात चोरी के मामले में पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा कर लिया। नवजात के अपहरण मामले में 5 बच्चियों की मां चोर निकली। बताया जा रहा है कि महिला ने इस वारदात को इसलिए अंजाम दिया क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। बांसवाड़ा SP कविंद्र
फादर ने 15 सदस्यों की टीम बनाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस टीम ने सीसीटीवी खंगाल कर तलाश तेज की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। गौरतलब है कि एमजी अस्पताल परिसर से रविवार को चौंकाने वाले घटनाक्रम में धोखे से नवजात चोरी हो गया था। टीकाकरण करवाने के नाम पर बुलवाए गए बच्चों के लेकर फर्जी नर्स फरार होने की जानकारी पर जिले भर में पुलिस ने नाकाबंदी करवा दी थी। काफ़ी स्पष्ट एक फोटो इस महिला का आया, जिसको हमने आप सब लोगों के साथ में शेयर किया डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स में और भी माध्यमों से कई लोगों तक इस फोटो को पहुंचवाया हम लोगों ने। इस फोटो के आधार पे आज सुबह हम लोगों को एक सूचना मिली कि ये जो महिला है वो इस शंभूपुरा एक गांव है। कैमरे में काफ़ी स्पष्ट एक फोटो इस महिला का आया, जिसको हमने आप सब जयपुर ग्रामीण एसपी शंकर दत्त शर्मा की ओर से बजरी का अवैध खनन और परिवहन की रोकथाम को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत दूदू थाना प्रभारी जोगेंद्र सिंह राठौर ने अवैध बजरी का परिवहन करते हुए 60 ट्रॉले और डंपर जब्त किए। तो वहीं माइनिंग विभाग के अधिकारियों को सूचित कर 11 लाख रुपये का रेवेन्यू राज्य सरकार के खाते में डलवाया। अवैध बजरी के खिलाफ अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए कल करीब 7 ट्रकों को रोका गया, जिनमें ट्रोले भी डंपर भी शामिल हैं, जिनमें से 3 गाड़ियों के पास लीगल रवाना के साथ गाड़ियां थी, बाकी गाड़ियों के साथ में रवाना लीगल नहीं होने की वजह से 2 डंपरों को जब्त करके थाना चौकी पर खड़ा कराया गया। जयपुर प्रतापगढ़ के धरियाबाद में किसानों ने कृषि कानूनों का विरोध किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। किसान महासभा के नेता डॉक्टर चंद्रदेव ओला ने कहा कि मोदी सरकार के लाए गए 3 काले कानून किसानों की मौत के दस्तावेज हैं और कॉरपोरेट्स कंपनियों के मुनाफे के लिए बनवाए गए हैं। पेट्रोल डीजल और गैस के बढ़ते दामों के कारण बड़ी महंगाई के विरोध में प्रदेश युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट सर्किल पर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए विरोध किया और चूल्हे पर चाय बनाकर आम लोगों को पिलाई। तो वहीं प्रदर्शनकारियों में युवा कांग्रेस नेता संजीता सिहाग ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल और गैस के बढ़ते दामों में आम आदमी की कमर तोड़ दी है। आम आदमी बढ़ती महंगाई से इतना प्रभावित है कि उसका घरेलू बजट भी गड़बड़ा गया है। खिलौना निर्माण के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने और वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देने के लिए इंडिया टॉय फेयर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश के विभिन्न जिलों के खिलौना और हैंडीक्राफ्ट निर्माताओं के उत्पाद वर्चुअल रूप से प्रदर्शित किए गए। इन्हीं में से नागौर जिले के भावांता निवासी मदनलाल लीलड़ के बनाए हस्त उत्पादों को भी इस वर्चुअल प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया है। मदनलाल का हुनर है कि वो कपड़े की कतरनों और कुछ सामानों से पशु पक्षी गुड्डा गुड्डी कठपुतली का श्रृंगार गिफ्ट आइटम जैकेट और कपड़ों की गोटेकारी समेत कई उत्पाद बनाते हैं जो लोगों को बेहद पसंद आ रहे हैं। इनको बनाने में मदनलाल के साथ उनकी पत्नी और पूरा परिवार भी सहयोग करता है। मदनलाल नागौर से एकमात्र हुनरमंद हैं जिनका चयन वर्चुअल प्रदर्शनी के लिए किया गया। से मैं ये काम सुचारू रूप से कर रहा हूँ और मेरे माताजी को इस काम में कलाश्री पुरस्कार भी मिला हुआ है। वेस्ट जोन कल्चर उदयपुर से, पश्चिम सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर से उनको शिल्प सम्मान भी मिला है। सूरजकुंड मेला अथॉरिटी की तरफ से कलाश्री कलामणि पुरस्कार से नवाजा गया है। और उसके बाद में हम इस काम को, मतलब हमें ऐसा लगा कि इस काम में हम आगे बढ़ सकते हैं, तो इस काम को हम सुचारू रूप से चला रहे हैं। 2015 में मेरे माताजी का एक्सपायर हो गए थे। माताजी का स्वर्गवास होने के बाद में मैं और मेरी मिसेज गुलाब देवी इस काम को सुचारू रूप से चला रहे। अजमेर में एक शख्स ने नाता विवाहित किया तो खां पंचायत ने तालिबानी फरमान सुना दिया। दरअसल अजमेर के सदर बाजार गांव के रोड के एक परिवार ने डीएम से न्याय की गुहार लगाई, जिसमें रामदेव नाम के एक शख्स ने बताया कि उसके भाई लक्ष्मण ने गांव में बैरवा जाति की विधवा महिला से नाता विवाह कर लिया, जिसके बाद बैरवा समाज ने खां पंचायत का गठन कर पूरे परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया और सामाजिक बहिष्कार किया। अब गाँव में उन्हें और उसके परिवार वालों को
पानी भी नहीं भरने दिया जा रहा है और ना ही परचून का सामान मिल पा रहा है। उनसे छुआछूत का व्यवहार किया जा रहा है और इस परिवार को धमकियां भी दी जा रही हैं। समाज इकट्ठी हुई और वो खौफ मीटिंग रखी। खौफ मीटिंग में हमारे से 15 लाख रुपए मांगे, हमारे पास 15 लाख नहीं थे, इसलिए उन्होंने जाति से बहिष्कार कर दिया। फिर हमारे मिलने वालों से मिलकर जुलकर धोख दे के हमारे को समाज से इकट्ठा किया, 2 लाख का दंड भी दे दिया, उनकी रसीद भी हमारे पास। फिर भी ये 2 लाख लेने के बाद भी 15-16 आदमी हमारे को जाति से बहिष्कार कर रखा। नहीं तो सामान लेने दे रहे दुकान से, नहीं टेम्पो में बैठने दे रहे, नहीं बच्चों को पढ़ने जाने दे रहे स्कूल में से, और हमारे को पानी तक नहीं भरने दे रहे। कौन सी जगह? ये केरोट गाँव में। आज हम SP साहब के पास आए और कलेक्टर साहब के पास में आए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के जयपुर दौरे को लेकर प्रदेश कांग्रेस सचिव जसवंत गुर्जर ने कहा कि भाजपा का कोई भी नेता राजस्थान आए लेकिन राजस्थान की गहलोत सरकार के कामकाज से प्रभावित जनता का मन नहीं बदल सकता। BJP प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के बयान पर जसवंत गुर्जर ने पलटवार करते हुए कहा कि पूनिया सही कह रहे हैं कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस सरकार का सिलसिला बंद होगा, यानी अगली कांग्रेस की ही सरकार होगी। अमित शाह जी आए या नरेंद्र मोदी जी आए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। इनको चाहिए कि इनकी आपसी की खींचतान बंद करके एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं। और सही बात है, सतीश पूनिया जी सही कह रहे हैं कि ये बंद होना चाहिए, एक बार BJP एक बार कांग्रेस, उनको पता है। और सतीश पूनिया जी दूरदृष्टि वाले व्यक्ति, उनको दिख रहा है कि अगली बार जो है जिस प्रकार के कांग्रेस सरकार के अंदर सकारात्मक और रचनात्मक काम हो रहे हैं, गाँव गरीब डाणी युवा सभी की बात जिस प्रकार की जा रही है, उस प्रकार ऐसा लगता है कि अगली सरकार कांग्रेस की पुनः बनेगी। जलदाय मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने चंबल धौलपुर भरतपुर जलापूर्ति परियोजना के तहत भरतपुर जिले की अलग अलग तहसीलों में लंबित कार्यों को चरणबद्ध रूप से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर कल्ला ने शासन सचिवालय में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और प्रोजेक्ट से जुड़ी एजेंसी के साथ बैठक में प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रोजेक्ट के कार्यों को समय पर पूरा करने के साथ ही मेंटेनेंस और रोड रिपेयर के कार्यों को भी साथ ही पूरा करने के निर्देश दिए ताकि जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो। जलदाय मंत्री ने प्रोजेक्ट के तहत भरतपुर क्षेत्र में से संबंधित 79 गाँव के कार्य को 3 माह की अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अजमेर जिले में आबकारी थाना पुलिस की ओर से अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के साथ साथ लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों की भी धरपकड़ की जा रही है। इसी क्रम में आबकारी थाना पुलिस की ओर से ब्यावर उपखंड क्षेत्र के कई स्थानों से विगत लंबे समय से फरार चल रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर कई धाराओं में मामले दर्ज हैं। तो वहीं आबकारी थानाधिकारी हरस्वरूप सिंह ने बताया कि कार्रवाई के दौरान आरोपी सुशीला राधा निकिता मुमताज संपत्ति शंकर सिंह गणपत सिंह और दिलीप कुमार को गिरफ्तार किया गया है। सात महीने से आबकारी थाना ब्यावर में चल रहे फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसे मामले न्यायालय में पेश किया जाएगा और अगली कार्रवाई की जाएगी। इसमें खास करके सांसी बस्ती और कंजर बस्ती ब्यावर बायला तथा फतेहपुरिया द्वयम से ज़्यादातर गिरफ्तार किए हैं। 7 महीने से आबकारी थाना ब्यावर में चल रहे फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसे इसके साथ राजस्थान लाइव में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।